नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पब्लिक एजेंडा में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रजत परवीन सिद्दीकी। शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी पूरी टीम भी अब बन गई। कुल 28 मंत्रियों ने शपथ ली, हालांकि इसमें सिंधिया खेमे फायदे में रहे। 28 में से 13 सिंधिया खेमे से मंत्री बने, जबकि 7 शिवराज सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं। शपथ लेने वाले 28 नेताओं में से 20 को कैबिनेट और 8 को राज्य मंत्री बनाया गया है। 4 नेता ऐसे हैं जो 3 महीने पहले तक कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे थे। बड़ा सवाल, मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों पर जताए गए भरोसे का कितना फायदा आने वाले वक्त में बीजेपी को मिलेगा? शिवराज महाराज की सेना ग्वालियर चंबल क्षेत्र से 8 नेता। तो वहीं ग्वालियर चंबल की 16 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इस क्षेत्र में सिंधिया की मजबूत पकड़ है। इस क्षेत्र से 8 नेता गिरिराज दंडोटिया, एंदल सिंह कंसाना, सुरेश ठाकर, ओपीएस भदौरिया, महेंद्र सिंह सिसोदिया, इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, भारत सिंह कुशवाहा मंत्री बनाए गए। ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही जिले सागर से 3 मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह हैं, तीनों कैबिनेट मंत्री हैं। तो वही पहली बार जबलपुर जिले और शहर से कोई मंत्री नहीं बना है। शिवराज की पिछली सरकार में शरद जैन और अंचल सोनकर मंत्री थे। जबलपुर से ही अजय बिश्नोई भी शिवराज की सरकार में एक बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। कमलनाथ सरकार में जबलपुर से तरुण बनोत और लखन घंगोरिया को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। सिंधिया समर्थकों को जाना जगह दी गई। केवल भारतीय जनता पार्टी है, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कई कार्यकर्ता आज मंत्री बने हैं। हमारे पार्टी में दूसरा कोई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। अलग अलग जवाबदारियां अलग अलग समय पर अलग अलग मित्रों को दी जाती है। नहीं, कोई उपचुनाव नहीं, मध्यप्रदेश की प्रगति और विकास के लिए। चंबल क्षेत्र के ज्यादा मंत्री बनाए हैं, पूरा मध्यप्रदेश एक। लेकिन सर, जिस तरह से देखा गया है, 11 मंत्री सिंधिया समर्थक लिए गए हैं, बाकी केवल भारतीय जनता पार्टी है। अब सभी उनको कैसे संतुष्ट करेंगे? सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है, अलग अलग जवाबदारियां सबको दी जाएगी। तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का। फिलहाल किन किन चेहरों पर भरोसा जताया गया और किन किन चेहरों पर जो कि उम्मीद की जा रही थी उनके चेहरे बाकी रह गए, इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ मेहमान शामिल है, उनसे परिचय करवाऊंगी। हमारे साथ है बीजेपी से गुलरेश शेख, बहुत स्वागत है गुलरेश जी आपका। कांग्रेस से है शहरयार खान जी, बहुत स्वागत है शहरयार जी आपका। और वरिष्ठ पत्रकार है रविंद्र जैन जी। शुरुआत रविंद्र जी आपसे करूंगी। जिस तरह हमने देखा मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, 28 मंत्रियों ने आज शपथ ली, जिसमें से 8 राज्य मंत्री और 20 कैबिनेट मंत्री चुने। अब हम बात करें अगर चेहरों की, तो किनके चेहरों की? हालांकि साफ दिखाई दे रहा है सिंधिया जी के साथ आए जो विधायक थे उन पर ज्यादा भरोसा जताया गया, पर फिर भी समझना चाहेंगे कि किन चेहरों पर ज्यादा भरोसा जताया गया और किन चेहरों को सामने लाया गया। देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जो मंत्रिमंडल बना है ये मजबूत नहीं, मजबूरी का मंत्रिमंडल मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इच्छा नहीं चली है। 41% वो मंत्री बनाए गए हैं जो अभी विधायक ही नहीं है और जो कांग्रेस से बगावत करके आए हैं। एक बात आपने कहा था कि सागर से 3 मंत्री बनाए गए हैं, मैं बताना चाहूंगा कि सागर से अकेले से नहीं, ग्वालियर से भी 3 मंत्री बनाए गए हैं। मुरैना और भिंड से 2-2 मंत्री बनाए गए हैं। मंदसौर से 2 मंत्री बनाए गए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के 26 जिले ऐसे हैं जहां से एक भी मंत्री को नहीं लिया गया है। तो इस तरह की मजबूरियां रही हैं, नए चेहरों को लाने के चक्कर में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, पुराने नेता हैं, उनकी पूरी तरह उपेक्षा हुई है और वो कहीं ना कहीं नाराज हैं।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की कोई बगावत होगी, लेकिन ये तय है कि इस समय हताशा और निराशा का माहौल जरूर हमें दिखाई दे रहा है। सबसे पहले का जो सबसे पहले बयान आया है वो आया है उमा भारती का। उमा भारती इस समय लखनऊ में है और उन्होंने वहां से बयान दिया है कि मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल को लेकर मैंने जो सुझाव दिए थे वो इन्हें नजरअंदाज किया गया है। यहाँ जाति का समीकरण नहीं रखा गया है, क्षेत्रीय समीकरण का ख्याल नहीं रखा गया है। पार्टी हाईकमान के सामने वो अपनी बात कहेगी। इस तरह का बयान, पहला जो बयान आया है वो उमा भारती का आया है, तो आप समझ सकते हैं। दूसरा बयान हमने सुना है, डॉक्टर गौरीशंकर मिशन ने कहा है कि सिंधिया के आने के कारण से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा हुई है। तो ये तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जिसे अभी देखना बड़ा बाकी होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में बड़ा रोचक हो गया है माहौल। 41% ऐसे लोग हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति की भी जानकारी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के बारे में नहीं पता है, वो कैसे उनके साथ मिलेंगे। सिंधिया जी ने आज शिवराज जी का वो बयान अपने उस पर ले लिया कि टाइगर जिंदा है, यानी उन्होंने अपने आप को टाइगर घोषित कर दिया जैसे शिवराज जी ने टाइगर घोषित किया था। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस की सारी उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी के कथित बगावत पर टिकी हुई है। कमलनाथ जी चाहते हैं कि उनके भाग से छीका टूट जाए और कैसे भी भारतीय जनता पार्टी में कुछ बगावत हो जाए जिससे उनका फायदा हो, कांग्रेस का फायदा हो। लेकिन फिलहाल डॉक्टर नुसरत जी, मुझे लगता नहीं है कि बहुत बड़ी बगावत होगी, लेकिन ये तय है कि उपचुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रिमंडल बनाया इसका असर हमें उपचुनाव में दिखाई देगा। क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग की बात की जाए तो वहां जो अनुसूचित जाति की 6 सीटें हैं उनमें चुनाव होना है, लेकिन अनुसूचित जाति के लोगों को उतना महत्व नहीं मिला जिसकी उम्मीद की जा रही थी। पूरे मंत्रिमंडल में केवल 4 अनुसूचित जाति के लोगों को लिया गया है। ये तमाम सारी चीजें अभी इसका और मूल्यांकन होगा और मुझे लगता है कि इसके तमाम सारी चीजों के प्लस और माइनस कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ही खाते में जाएंगे। गुलरे जी, सुना आपने रविंद्र जैन जी ने बहुत सारी चीजें कही हैं, उसको मजबूरी कहीं ना कहीं उनका मानना है कि एक मजबूरी के तहत मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ उसको मजबूरी समझा जाए, और जिस तरह उन्होंने बात करी कि जो 26 जिले हैं कहीं ना कहीं उनसे मंत्रिमंडल में कोई भी चेहरा नहीं शामिल हुआ और उपचुनाव की भी बात कही, हम समझना चाहेंगे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं उनकी बातों से। देखिए, संगठनात्मक रूप से यदि मैं बात करता हूँ तो अभी की तरह हम लक्ष्य चल रहे हैं वह सब भी पूरी दुनिया भी झेल रही है और हम भी झेल रहे हैं। इसलिए ये जो कैबिनेट है यह एक अच्छा मिश्रण है एक्सपीरियंस का, युवा शक्ति का, ग्राउंड लेवल के वर्कर का, सभी तरह के ऐसे लोगों का जो अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अधिकारियों पे बहुत अच्छा, जिनका कंट्रोल होता है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जिनका जनता से इतना ज्यादा जुड़ाव होता है कि हर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे घर का बच्चा है कि मैं सीधे जाके बात कर लूं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन जो विजनरी होते हैं और अभी जब महामारी का दौर है, जब इन्वेस्टमेंट लेकर आना है तो वो विजनरीशिप काम आती है। कुछ लोगों का बड़ा व्यापक एक्सपीरियंस है इंक्लूडिंग फील्ड एंड मैनेजमेंट। तो सबका मिश्रण करके एक मजबूत कैबिनेट बनाया है ताकि मध्य प्रदेश के जो इंटरेस्ट है उनको सॉल्व कर सके। जहां तक विषय जो लोग कह रहे हैं कि ये सिंधिया खेमे का तो ये खेमे का तो ये उस खेमे का, मैं जैन साहब को भी बड़ी आदरपूर्वक कहता हूं कि सब के सब कमल खेमे के हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये कमलनाथ सरकार नहीं है, ये कमल की सरकार है जहां बीजेपी के लोगों ने शपथ ली है, ना कि किसी निर्दलीय ने या SP BSP ने, किसी ने नहीं ली है। सब के सब कार्यकर्ता है, मेंबर है, रजिस्टर्ड मेंबर है भारतीय जनता पार्टी के। और आपने देखा कि चाहे सिंधिया जी हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी थे या फिर शिवराज जी थे, सबके चेहरों पे आपने प्रसन्नता का भाव देखा। और ये भाव इसीलिए था क्योंकि पार्टी एक है, संगठन एक है और हमारा दिशा एक ही, जिसको अंग्रेजी में टनल विजन कहते हैं कि हमको कोरोना के इस कालखंड में मध्य प्रदेश को देश का नंबर वन प्रदेश बनाना है। जी शहरयार जी, गुलरेज जी ने कहा कि एक अच्छा मिश्रण तैयार किया गया, अच्छा मिश्रण है और इसको लेकर कहीं कोई संशय नहीं है और सब जितने भी सदस्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, कमल के हैं। शहरयार जी, जी देखिए, रविंद्र जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं
उनका जो आकलन है वो बिल्कुल सच्चाई के आसपास है। ये मजबूरी का एक मजबूर मुख्यमंत्री का वो मंत्रिमंडल है जिसमें दर दर भटकने के बाद लगभग 100 दिन के बाद वो मंत्रिमंडल बना पाए और उसमें भी पूरे मध्य प्रदेश को बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। तो इससे साफ जाहिर है कि ये जो नरोत्तम मिश्रा जी की आपके यहाँ बाइट आई या नहीं आई, उन्होंने कहा ये जनसेवक का मंत्रिमंडल है। उमा भारती लखनऊ में बैठ के इस मंत्रिमंडल से खुश नहीं है। और डॉक्टर नुजहत, आपको खबर हो या नहीं हो, इंदौर में रमेश मेंडोला के समर्थकों ने आत्मदाह की कोशिश करी है। अभी मात्र 3-4 घंटे हुए हैं, अभी देखिए भाजपा में जो उबाल आना है, जो वरिष्ठता के और जो अनुभव को दरकिनार करके बिकाऊ लालों को स्थान दिया है, तो वो टिकाऊ लाल जरूर इस चीज को देख रहे हैं। और धीरे धीरे जो ये पार्टी भीतर डिफरेंस की बात करते हैं, वो डिफरेंसेस जमीन पे आ चुके हैं। इंदौर में रमेश मेंडोला के समर्थक जो कि कैलाश विजयवर्गीय के खासम खास हैं, और ये बोल रहे हैं चेहरों पे खुशी है। किस चीज की खुशी है? अभी तक तो मध्य प्रदेश में एक ही टाइगर जिंदा था, अब दूसरा टाइगर भी आ गया, तो भाड़ेबंदी तो भाजपा को करनी है कि दो दो टाइगरों को वो कैसे एक मियान में रख पाएंगे। एक मियान में कभी भी दो तलवारें नहीं रहती हैं, और इनके यहाँ तो 36 तलवारें हैं। इनके यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर का गुट, नरोत्तम मिश्रा जी जब कोरोना किल का कल मुख्यमंत्री उद्घाटन कर रहे थे, वो दिल्ली में बैठ के अपने उप मुख्यमंत्री की सीट पक्की कराने के लिए टेढ़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। आज भी उनका चेहरे के जो भाव थे और जो उनका वक्तव्य है कि ये जनसेवक का मंत्रिमंडल है, तो इससे साफ जाहिर है कि अंदर खाने भाजपा में आपको कुछ फायदा मिलने वाला है। किसी भी तरह से ज्वालामुखी की तरह फटने वाला है। दूसरों को यार जी क्या लगता है, कुछ फायदा लेने वाले हैं? दूसरों के जनमत को खरीद कर मंत्रिमंडल तो बना लिया, सरकार तो बना ली। रविंद्र जी ने कहा है कि 7.5 करोड़ असंतोष हो सकता है, लेकिन बगावत बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देगी। चलिए ठीक है, कांग्रेस को वोट दिया था और आपका क्या हक था कि आप बीजेपी के हाथों जाके बेच के सरकार बना ली, और आप बातें कर रहे हो कि टाइगर जिंदा है? अरे टाइगर जब कहाँ था, जब कोरोना में ग्वालियर चंबल संभाग के लोग त्राहिमाम थे, आज बात कर रहे हैं वो आके यहाँ पर सफेद कुर्ता पजामा पहन के और अपने आप को जनसेवक बोलते हैं। वो जनसेवक फर्जी जनसेवक के सिर्फ 30 लाख रुपए देके वो सोच रहे हैं कि कोरोना की लड़ाई में उन्होंने अपना योगदान दे दिया। तो मध्य प्रदेश की जनता और ग्वालियर चंबल अंचल के संभाग के लोग बिल्कुल इंतजार में बैठे हैं वो 2018 अप्रैल का, तो भाजपा ने लगभग 4,500 लोगों को जो जेलों के अंदर कूटा और पीटा है, उनके केस लगाए हैं, वो आज तक कोर्ट की वजह से नहीं हट पाए हैं। कांग्रेस ने जो वादा करा था उनसे केस हटाने का आदेश दिया। हमारी नीति और नियत इन सवा साल में मध्य प्रदेश की जनता ने देखी कि जो हमने वचन पत्र में बोला था उसको लागू करने का काम करा। आपको इस बात से जाहिर है होगी कि आपके साथ छोड़ के बीजेपी में लोग शामिल हो गए, उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल गई, जो मध्य प्रदेश की जनता को धोखा देने का काम करा है। आगामी उपचुनाव में इनको इसका सबक मिलने जा रहा है। आप देखिएगा जो भाजपा के लोग इस मंत्रिमंडल से वंचित रह गए हैं, वो लोग भी अब सड़कों पे आके भाजपा को बताएंगे कि अगर तुम खरीद सकते हो तो निश्चित ही तो भाजपा में टिकाऊ लालों का सम्मान है, तो टिकाऊ लाल कहां जाएंगे? शहरयार जी हो गया। गुलरेज जी क्या कहेंगे? अब असंतोष की बात जो अभी रविंद्र जैन जी ने कही कि उमा भारती का कहीं ना कहीं इसको लेकर जो बयान आया है वो थोड़ा सा समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब शहरयार जी का भी यही कहना है, हालांकि इंदौर का जो मामला है रमेश मेंडोला के नहीं बनाए जाने पर जो नाराज उनका कार्यकर्ता था, उसने आत्मदाह की कोशिश की, उनका ये कहना है कि अभी शुरुआत है, अभी तो कुछ घंटों में ये तस्वीर सामने आई है, भी बहुत लंबा समय बीजेपी को इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। इस बारे में
पता नहीं कि सबसे बातचीत करके जो हुआ है, क्योंकि वो उसमें सम्मिलित नहीं हो पाई, हम तो चाहते थे कि वे सम्मिलित रहे बैठकों में, लेकिन उनका स्वास्थ्य कारणवश वो सम्मिलित नहीं हो पाई, इसलिए उन्होंने कहा होगा। लेकिन जहां तक विषय है कांग्रेस पार्टी की, तो आपने देखा ना मैडम कि शहरयार खान साहब किस प्रकार से विधवा विलाप कर रहे थे, तो इनकी जो मन की कुंठा है वो इनकी जीव पर आ रही है। अभी ये कह रहे थे कि इनके अंदर 36 तलवारें हैं और एक मियान में दो तलवार नहीं रहती, तो कांग्रेस पार्टी को मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे पास 36 नहीं 3600 तलवारें हैं, और भारतीय जनता पार्टी कोई मियान नहीं है, ये तो जनता की आर्मरी है, आर्मरी जहां तलवारें तेज करके रखी जाती है आप जैसे लोगों के लिए, आप जैसे गंदे विपक्ष के लिए, तलवारें आप क्या एक मियान में दो नहीं ले सकती, इसलिए टूटती है सरकारें, इसलिए गिरती है सरकारें। चलो और रविंद्र जी दोनों की बातें सुनिए, जिस तरह की परिवार की बात, आप शायद एक परिवार की बात कर रहे हैं शहरयार साहब, चलिए ठीक है वापस आऊंगी परिवार की बात, गुलरेश जी अब वापस आऊंगी रविंद्र जी, आज आपको वो देशभक्त दिख रहे हैं, चलिए सरकार बना रहे हैं, चलिए शहरयार जी थोड़ा सा संयम रखें, आपके पास आऊंगी वापस आऊंगी। रविंद्र जी जिस तरह बातें कर रहे हैं कि अब चूंकि इनका भी कहना है, गुलरेश जी का कहना है कि सब कमल के अब सदस्य हैं, और हालांकि आए इतने साल कांग्रेस में रहने के बाद एकदम से विचार परिवर्तन होना शायद मुश्किल हो, पर जिस तरह हम बात कर रहे हैं एक मयान में दो तलवार की, शहरयार जी भी कह रहे हैं कि एक मयान में दो तलवार रहना मुश्किल होगा, और कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे चीजें सामने आएगी, और जब टाइगर जिंदा है का फिर से एक बार बयान सामने आता है तो कहीं ना कहीं चीजें सवाल पैदा होते। देखिए नुसरत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं भी मध्य प्रदेश में पिछले 32-33 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूं और मैं तमाम सारी घटनाओं का प्रत्यक्ष गवाह हूं। जब भी मंत्रिमंडल का गठन होता था तो वह क्षेत्रीय संतुलन और जातीय संतुलन का बहुत ध्यान रखा जाता था, लेकिन इस बार जो मेन ध्यान रखा है भारतीय जनता पार्टी ने वो ये रखा है कि हम किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को युवा भारतीय जनता पार्टी बना सकते हैं। उन्होंने नए चेहरों को महत्व दिया है, जो लोग 10 साल 15 साल से मंत्री रहे हैं, जो अब जिनकी उम्र भी काफी अब 60 के ऊपर हो चुकी है, उन्हें विश्राम देने की कोशिश की गई है, और ये बहुत अच्छा प्रयास भारतीय जनता पार्टी का मैं मानता हूं। लेकिन इस प्रयास में भारतीय जनता पार्टी कहीं अपना बड़ा नुकसान ना कर ले, और वो नुकसान ये होगा कि तमाम सारी ऐसी जातियां हैं जो कहीं ना कहीं हावी हो गई है इस पर। आज जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, जो आज विस्तार हुआ है, आप विश्वास करेंगे कि 28 में से 8 से ज्यादा केवल ठाकुर समुदाय से आए हैं, ठाकुर समुदाय 8 से ज्यादा मंत्री बन जाने से कहीं ना कहीं असंतुलन की स्थिति है, जो कि उमा भारती ने कहा है। भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में एक वोट बैंक है लोधी समाज, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और ये लोधी समाज पूरा टीकमगढ़ से लेके छतरपुर से लेके दमोह ये पूरा बैठता है, इन तमाम सारे जिलों की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है, और जो लोधी समाज है लोधी समाज से एक भी व्यक्ति को नहीं लिया गया है मंत्रिमंडल में, तो ये पीड़ा हमने उमा भारती के मुख से हमने सुनी है। और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता जिन्हें हम डॉक्टर गौरीशंकर सेजवार के रूप में देख सकते हैं, रामपाल के रूप में देख सकते हैं, राजीव शुक्ला जी के रूप में देख सकते हैं, ये तमाम से सारे नेता हैं जिन्हें ये लग रहा है कि वो अपने ट्रेकिंग पीढ़िया में अपने बच्चों को राजनीति में भी स्थापित नहीं कर सके हैं, और उसके पहले उनकी रवानगी का टाइम हो गया है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं कहीं नुकसानदायक हो सकती है। तो अभी ये देखना होगा कि जैसा मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, जहां चुनाव होने हैं 17 सीटों पर, वहां ग्वालियर में काफी अनुसूचित जाति की सीटें हैं, वहां भी हमने अनुसूचित जाति को अपना महत्व नहीं दिया। सिंधिया जी ने अपने 11 मंत्री जरूर बना लिए हैं, इन 11 मंत्रियों में से केवल 2-3 सिंधिया जी ने अनुसूचित जाति के बनाए हैं, लेकिन 20 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बने हैं, उनमें से केवल एक जगदीश देवड़ा को छोड़कर कोई भी अनुसूचित जाति का मंत्री अभी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुआ है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं सामाजिक दृष्टि से और जातिगत दृष्टि से इसका असर वोटर पर पड़ता है। हम बेशक बाहर आकर ये कहें कि जाति की राजनीति नहीं होना चाहिए, समाज की राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कटु सत्य है आज भी, आजादी के 75 साल बाद भी, कि आज भी जब वोट डलते हैं तो जाति के आधार पर डलते हैं। तमाम सारी जातियां ऐसी, जैसे मैं बताना चाहूंगा कि बैस्त समाज लगातार भारतीय जनता पार्टी का रहा है, व्यापारी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि बैस्त समाज केवल ओम प्रकाश सक्रिया को छोड़कर पूरे 35 लोगों में कोई बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, जबकि हमने देखा है कि चार बैस्त समाज के मंत्री हमेशा मंत्रिमंडल में रहे हैं, चाहे वो पटवारी रहे हों,
या सकलेता जी से लेके पटवा जी कैलाश जोशी और हमने बाबूलाल जी को सब मंत्रिमंडलों में देखा है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो भी सलाह दी है और संगठन ने जो मंथन किया है, नए चेहरों के लाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि क्षेत्रीय और जातीय समीकरण बिगड़ जाए और उसका नाम उसका नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी को होगा ही। और जो नाराज लोग बैठे हैं वो अब क्या भूल खिलाएंगे, क्योंकि सारी दृष्टि, सारी नजर पूरी मीडिया की, पूरी राजनीतिक विश्लेषकों की, सारे की सारे कांग्रेस की बात उन लोगों पर टिकी हुई है जो इस समय मंत्रिमंडल से वंचित रह गए हैं। मैं बताना चाहूंगा लगभग 40 ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन्हें पूरी उम्मीद थी कि वे मंत्री बनेंगे, और ऐसे में 20 नेताओं को जानता हूं जो तो कपड़े सिलवा के बैठे हुए थे कि उनका मंत्री बनना तय है, उनको कौन आएगा ही। लेकिन लास्ट टाइम पर शिवराज सिंह चौहान की बिल्कुल चली नहीं, दिल्ली नेतृत्व ने जो भी निर्णय लिए उस निर्णय के कारण से वो लोग मंत्री पद से वंचित रह गए हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले 5-7-10 दिन में हमको आकार लेती हुई दिखाई देगी। डैमेज कंट्रोल के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठ के कर रही है, बहुत सारी चीजें देखने वाली चीजें, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति बहुत रोचक मोड़ पर जाएगी। और मैं पहले भी ये बात कहता रहा हूं, हम ऐसा ना हो कि इन तमाम सारे हालातों के कारण मध्यावधि चुनाव की तरफ ना बढ़ जाए, कि हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के झगड़े में मध्य प्रदेश के मध्यावधि चुनाव की तरफ ना चला जाए, ये मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 1.5 साल से बहुत ज्यादा रोचक हो चुकी है मध्य प्रदेश की राजनीति, और अब क्या क्या और सामने आएगा वो देखना होगा। गुलराज जी, असंतुलन और जातिवाद की जो बात रविंद्र जैन जी कह रहे हैं, आगामी 24 सीटों पर जो उपचुनाव, उसमें कहीं एक बड़ी चुनौती हो सकती है बीजेपी के सामने? देखिए, एक बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप की आयु को युवा करती जा रही है और युवाओं को अधिकार अधिक से अधिक अवसर दे रही है, और इसके लिए मध्य प्रदेश विशेष में जो क्रेडिट जाता है वी डी शर्मा जी को, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेटवर्क को पूरे मध्य प्रदेश में विस्तृत रूप से फैलाया। दूसरा विषय आप जो कह रहे हैं जातिगत समीकरणों का, तो मैं बिल्कुल आइडियलिस्टिक बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। जाति का डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल होता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, लेकिन आप यह भी देखिए कि आज हमारे पास जो नई पीढ़ी के नेता आ रहे हैं वे अपने वर्ग में तो है ही सही, लेकिन समूची दूसरी जाति और दूसरे धर्मों में भी उनका वर्चस्व है। मैं उदाहरण देता हूँ आपको, मोहन यादव जी को जो कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया उज्जैन से ही आते हैं, हे भी यादव समाज के ओबीसी वर्ग के हैं, लेकिन वो केवल ओबीसी के नेता नहीं है, उनकी पेठ जो है वे जैन समाज में भी है, वो ब्राह्मण समाज में भी है, यहाँ तक मुसलमानों में भी उनका अच्छा खासा दबदबा है और काफी वोट है। उसी प्रकार से आप इमरती देवी की बात करें तो अनुसूचित जाति से जरूर आती है वो, लेकिन केवल अनुसूचित जाति की नेता नहीं है, वे सामान्य वर्ग की नेता भी है। तो आप ये हमारे कपड़ों पर मुसलमानों के खूनों के छींटे हैं। चलिए गुलराज जी, उनका क्या गुलराज जी उनका क्या, जिन्होंने शेरवानी बनाकर रख ली थी और इंतजार में थे कि अब बुलावा आएगा। मेरा घर पूरे मोहल्ले में एक बात मुस्लिम घर है, लेकिन दबदबा लेकिन दबदबा वो नहीं होता गुंडागर्दी वाला। चलिए ठीक है मैं समझ गए, मैं मुस्लिम समाज का नेता नहीं हूँ। चलिए गुलराज जी, उनका क्या, जिन्होंने शेरवानी सिलवा कर रखी थी और इंतजार में थे कि अब बुलावा आएगा। अब ये क्यों भूलते हैं कि अभी सभापति बाकी है, डॉक्टर नुजरत मेरे को दूसरे चैनल पर जाना है, माफी के साथ। जी बिल्कुल आ रही हूँ शहरयार जी, आ रही हूँ। चलिए ठीक है, सभापति का जो कद होता है, चलिए संगठन ने बहुत सारी सोच के रखी है चीजें, ठीक है। शहरयार जी, गुलराज जी ने जो बातें कही कि उन्होंने, बिल्कुल भाजपा को मुबारक हो ये मंत्रिमंडल। अभी जो कल शिवराज जी ने बोला कि सारा मंथन के बाद विष शिवराज पी गए हैं, तो वो विष रोडों पे मध्य प्रदेश के दिखने लगा है, और भाजपा के नेता अभी आप देखिएगा कि 2-3 दिन में खुल के मुखर होके नरोत्तम मिश्रा जी जो आ गए हैं, उमा भारती जी आ गई हैं, रमेश मेंडोला के समर्थक आ गए हैं, और अभी तो बहुत लंबी लिस्ट है जो इन्होंने मध्य प्रदेश को असंतुलित मंत्रिमंडल दिया है। हम उम्मीद करेंगे कि कम से कम मध्य प्रदेश की जनता के हित के काम करे ये सरकार, और जो 24 जगह चुनाव है वहां पर अपने जनहित के कामों को करे, जिस विश्वास के साथ जनता ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को चुनने का काम करा था। चलिए शहरयार जी, इनके असंतोष से आपको क्या कुछ फायदा होने वाला है जी? इनके असंतोष से आपको क्या कुछ फायदा होने वाला?
देखिए हम लोग तो पिछले दो महीने से लगातार जमीन पे मध्य प्रदेश की तीन महीने से जनता के बीच कोरोना के टाइम पे सेवा करने का काम कर रहे थे। निश्चित ही जनता में बहुत गुस्सा है उन जनसेवकों के खिलाफ। चलिए 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जल्दी दिख जाएगा। खैर आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, पर विद्रोह की जो बात, विरोध की जो बात कांग्रेस कर रही थी वो कहीं ना कहीं देखने को मिलना शुरू हो गया। बीजेपी इस बात को कह रही है कि सब कुछ ऑल इज वेल है, पर उनका क्या जो पहले से तैयार थे मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए और मंत्री पद की शपथ के लिए वो पूरी तरह आश्वस्त थे, पर वो नाम जिनके नाम शामिल नहीं हो पाए वो अब किस तरह बीजेपी में संगठन उनको किस तरह संतुष्ट करती है, किसको क्या स्थान मिलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अपनी इस चर्चा को यहीं पर दूंगी विराम। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें आप देखते रहे डीएनएन पर। मुझे दीजिए इजाज़त।